अवकाश पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली, पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली, पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली, पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा। स्लोली स्लोली। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। लाइन बनाला जैसे बनाई थी। टीचर्स टीचर्स, पर्यावरण का रखे ध्यान, स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। स्वच्छ हवा, नीला आकाश, हरियाली का मतदान। बेटा पर्यावरण इको क्लब से मीन्स है कि हमें पर्यावरण की सभी वस्तुओं का, जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उन सबको मेंटेन करके रखना है। मेंटेन से मीन्स है जैसे पानी का दुरुपयोग ना करना, जो ईंधन है, फ्यूल ईंधन है अपने, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है और LPG है, इन सब का भी मिसयूज नहीं करना चाहिए। जैसे घर पे कभी कभी क्या होता है, दूध उबल रहा है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा उबल गया, उसको अवॉइड कीजिए, उसको रोकिए, ठीक है। मींस ये कि आपको फ्यूचर में चल के ध्यान रखना है इन सब चीजों का, जैसे जो प्राकृतिक ईंधन है उन सब का, जो प्राकृतिक वस्तु है उन सब का। पानी कभी कभी घर पे ये होता है कि जैसे समरसेविल है, हो सकता है आपका 2 बाल्टी में काम चल जाए, लेकिन वहां घर पे क्या है, आपके मदर और फादर 200 बाल्टी लगातार बड़े पाइप से
पानी मिस यूज कर रहे हैं। ये क्या है? सब दुरुपयोग है प्राकृतिक वस्तुओं का। किसका? प्राकृतिक वस्तुओं का। तो आज जाके घर पे क्या मैसेज देना है मम्मी पापा को बताओ? ये मैसेज देना है कि मम्मी इसको जो है गैस को ज्यादा यूज मत करो, जितना अपने लिए जरूरत है उतना यूज करो, पहली बात। दूसरी बात, घर पे समर सेविल आप अगर चला रहे हैं तो उसका पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसका पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, जितना हमारा यूज है उसके लिए हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें भविष्य के लिए, जो आने वाली हमारी जनरेशन है, आने वाला हमारा भविष्य है, उसके लिए हमें बचा के रखना चाहिए। आपकी क्लास थर्ड का भविष्य नहीं, आप सबका भविष्य है, ठीक है? उस सब के लिए बचा के रखना चाहिए। पेट्रोल आप क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपके मदर फादर जो भी है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए थोड़ी दूर जाना है 100 मीटर, कि बाइक स्टार्ट की पेट्रोल वाली और चले गए, उसको रोकिए। पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, ठीक है? नहीं तो उससे क्या है, हमारा डीजल और पेट्रोल सेव होगा फ्यूचर के लिए। ओके, तो ये मैसेज आपको इन फ्यूचर और पूरी लाइफ, ये मेरे शब्द आपको अपने पूरे जीवन भर क्या करने हैं? याद रखने हैं, ठीक है?